करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज तारीख है 17 फरवरी 2020, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। करंट अफेयर्स का ये जो वीडियो है ये रोज सुबह 4 बजे हमारे जो चैनल है पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस उन पर अपलोड कर दिया जाता है। साथ ही साथ जो हमारी वेबसाइट है ssccglpinnacle.com और baljeethaka.com उसे भी आप विजिट करें। पर आपके सामने प्रीवियस क्विज के दोनों क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन से शहर में स्थापित की गई है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और इसके लिए हमारा जो उत्तर है वो है वाराणसी। इसे स्थापित किया गया है वाराणसी में। दूसरा क्वेश्चन देखो, एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और यहां पर हमारा जो उत्तर है वो है राजीव बंसल। तो ये दोनों हमारे प्रीवियस क्विज के उत्तर हैं। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देश के किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश को 2 नए एम्स मिलेंगे, यानी कि वहां पर 2 एम्स जो है वो स्थापित किए जाएंगे, ये हमारा प्रश्न है, और इसके लिए हमारा जो उत्तर है वो है जम्मू और कश्मीर। आंसर यहां पर जो है वो ए होगा। ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है हमारा जम्मू के भूमि पूजन समारोह में भाग लिया है। जो जम्मू और कश्मीर है वो देश का ऐसा एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर 2 एम्स आवंटित किए गए हैं, एक जम्मू में होगा और दूसरा जो है वो कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में 2 एम्स के अलावा 9 मेडिकल कॉलेज भी स्वीकृत किए गए हैं, ये जानकारी है इस प्रश्न के बारे में, और अगस्त 2022 तक इसको पूरा करने का भी वहां पर अनुमान है, और जो कुल निर्मित क्षेत्र होगा वो करीबन 22,000 वर्ग मीटर का है। आइए मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ इससे संबंधित। ये देखिए, यहाँ पर क्लियरली आप देख रहे हैं एम्स जम्मू भूमि पूजन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम, और उससे पहले यहां पर आप देख लीजिए ये जम्मू एंड कश्मीर है। ओके, यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है यहाँ पर गिरीश चंद्र मुर्मू, और लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है आर के माथुर, ये जो है ये लद्दाख है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है ये दिवस से संबंधित, विश्व पैंगोलिन दिवस 2020 ये कब मनाया गया है, ये दूसरा प्रश्न है, और उत्तर होगा यहाँ पर 15 फरवरी। 15 फरवरी इज द राइट आंसर। हियर बी विल बी द राइट आंसर, 15 फरवरी। हर साल फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को हम मनाते हैं विश्व पैंगोलिन दिवस। ये जो है विश्व पैंगोलिन दिवस ये 15 फरवरी 2020 को मनाया गया, और एशिया और अफ्रीका में पैंगोलिन की संख्या जो है वो बहुत ही तेजी से घट रही है। जो विश्व पैंगोलिन दिवस है वो लोगों का ध्यान जो है इस अद्वितीय स्तनधारी की ओर खींचता है, इसकी दशा के बारे में वो जागरूकता फैलाना चाहता है। ये देखिए, यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हैं वर्ल्ड पैंगोलिन डे कब मनाया जाता है, 15 फरवरी 2020 को। अगला है अ चेकर्ड ब्रिलियंस। ओके, ये एक पुस्तक का नाम है अ चेकर्ड ब्रिलियंस। आप बताइए कि ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी है, ये हमारा प्रश्न है, ये तीसरा प्रश्न है, और इस तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या होगा थर्ड क्वेश्चन के लिए, हमारा जो आंसर है इस प्रश्न के लिए वो है जयराम रमेश। ओके, आंसर क्या है यहाँ पर, आंसर हमारा जयराम रमेश है, बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 3, पुस्तक है अ चेकर्ड ब्रिलियंस द मेनी लाइव्स ऑफ वी के कृष्णा मेनन, ये जो है ये पुस्तक का पूरा नाम है। पुस्तक जो है इसको पेंगुइन इंडिया जो है वो प्रकाशित करेगा, और यह भारत के जो सबसे विवादास्पद नेता वी के कृष्ण मेनन के जीवन पर आधारित है, जो जवाहरलाल नेहरू के विश्वास पात्र और साथ ही साथ आत्मीय मित्र भी थे, ये जानकारी है प्रश्न 3 के बारे में। अब थोड़ी सी जानकारी मैं जो राइटर हैं जयराम रमेश उनके बारे में भी आपको दे देती हूँ कि जयराम रमेश जो है वर्तमान में राज्यसभा में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस के सांसद हैं, और ये पूर्व केंद्रीय पर्यावरण और वन राज्य मंत्री भी रहे हैं। यहाँ पर देखिए पुस्तक आप देख सकते हैं, अब इनकी तस्वीर देखकर आपको याद हो आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, जयराम रमेश। यहाँ पर देखो आपको नजर आ रहा है अ चेकर्ड ब्रिलियंस द मेनी लाइव्स ऑफ वी के कृष्णा मेनन।
चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, यहां पर पूछा गया है उदयन माने किस खेल से संबंधित है। उदयन माने जो है ये किस खेल से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 4। उत्तर यहां पर हमारा जो है वो गोल्फ होगा, डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 डी उदयन माने। और ये कौन से खेल से संबंधित है, ये गोल्फ से संबंधित है। अब उदयन माने ने टाटा स्टील पीजीटीआई जो है, पीजीटीआई है आपका प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, प्लेयर्स चैंपियनशिप में उन्होंने गुरुग्राम के वीर अहलावत पर प्लेऑफ जीत हासिल की है, जिस वजह से ये चर्चाओं में है। माने जो है इन्होंने पिछले दो पीजीटीआई इवेंट्स को भी जीता था, टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप 2019 और गोलकोंडा मास्टर्स 2020, क्वेश्चन नंबर 4। और यहां पर मैं आपको उदयन माने की तस्वीर भी दिखा रही हूं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस शहर में भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क होगा, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। और फिफ्थ क्वेश्चन के लिए आंसर जो है वो हमारा मुंबई होगा। राइट आंसर यहां पर क्या है, राइट आंसर यहां पर सी है, मुंबई इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर जो मुंबई में नगर निगम है, उसने महाराष्ट्र में मुंबई के 90 स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र स्थापना करने को मंजूरी दी दी है। जो 90 स्टेशनों पर वहां पर वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र लगेंगे, वो दिल्ली को पीछे छोड़ भारत का सबसे बड़ा निगरानी नेटवर्क बन जाएगा, जहां वर्तमान में टोटल 38 मॉनिटर लगे हैं। इन स्टेशनों द्वारा हवा की गुणवत्ता पर स्थानानुसार जो है कि किस जगह पर कैसी हवा की क्वालिटी है, इसके बारे में जो है अपडेट किया जाएगा। ये जानकारी है प्रश्न 5 के बारे में। अब यहां पर मैं आपको एक रिवीजन क्वेश्चन भी बता देती हूँ कि जो प्रसिद्ध काला घोड़ा कला महोत्सव है वो भी मुंबई में ही मनाया जाता है। मुंबई कहाँ की राजधानी है, महाराष्ट्र की। तो ये लीजिए मैप में आपको महाराष्ट्र दिखाते हैं, ये जो हमारा राज्य है ये महाराष्ट्र है। कैपिटल मुंबई, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, उद्धव ठाकरे यहाँ चीफ मिनिस्टर हैं, संजय गांधी नेशनल पार्क, गोगामल नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क यहाँ लोकेटेड है, अजंता इलोरा की जो गुफाएं हैं, एलिफेंटा केव्स जो हैं, विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंड सिंबल्स मुंबई में, ये सभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आते हैं। अगला है, 15वें वित्त आयोग ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर 5 सदस्यीय पैनल का गठन किया है, आप मुझे बताइए कि इस पैनल के अध्यक्ष कौन है, ये हमारा छठा प्रश्न है। आंसर है यहां पर एनके सिंह, दैट्स गोइंग टू बी द राइट आंसर, राइट आंसर यहां पर जो है सी है। अब जो 15वें वित्त आयोग ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर 5 सदस्यीय पैनल का गठन किया है, इस पैनल को गठन करने का उद्देश्य यह अध्ययन करना है कि क्या रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के वित्त पोषण के लिए एक अलग तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए अथवा नहीं, ये हमारा छठा प्रश्न है। उत्तर है एनके सिंह। और ये देखिए यहां पर मैं आपको एनके सिंह की जो तस्वीर है वो भी आपको मैं यहां पर दिखा रही हूं। हम आ गए हैं 7वें प्रश्न पर। यहाँ पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस तटीय अनुसंधान पोत को राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए कमीशन किया गया है, ये हमारा 7वां प्रश्न है। उत्तर होगा यहाँ पर सागर अन्वेषिका, आंसर यहाँ पर जो है बी है, क्वेश्चन नंबर 7 बी राइट आंसर है। टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के लिए दूसरा तटीय अनुसंधान पोत को कमीशन किया है। यह जहाज जो है ये सागर अन्वेषिका को 2017 में मिले 100 करोड़ रुपए के ऑर्डर के हिस्से के रूप में बनाया गया था। सागर तारा नामक जो पहले अनुसंधान जहाज को अगस्त 2019 से ही संस्थान को सौंप दिया गया था, दावा किया कि दोनों जहाजों के सफल संचालन के साथ टीटागढ़ वैगन्स देश के अनुसंधान जहाजों का निर्माण और वितरण करने वाली एकमात्र निजी कंपनी बन गई है, क्वेश्चन 7 आंसर है यहाँ पर सागर अन्वेषिका। अब यहां पर मैं आपको इसकी तस्वीर भी दिखा रही हूं, और ये देखिए यहां पर स्पष्ट रूप से क्या लिखा हुआ है, सागर अन्वेषिका। आगे चलते हैं,
विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम का उद्घाटन किस देश के राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम क्वेश्चन नंबर 8 है। आंसर यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए? यहाँ पर आंसर जो है हमारा वो है अमेरिका। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो इसका उद्घाटन करेंगे। 8 के लिए आंसर जो है हमारा ए है। अहमदाबाद का मोटोरा स्टेडियम, जिसका नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम रखा गया है, इसमें 1,10,000 लोगों की क्षमता वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, ओके, जो 24 और 25 फरवरी को अपनी भारत यात्रा के दौरान भव्य स्टेडियम जो है ये वो इसका उद्घाटन करेंगे, और इस कार्यक्रम में वहां पर करीबन 50 से 60 हजार लोग जो है वो वहां पर मौजूद होंगे। ये जानकारी इस प्रश्न के बारे में। और ये देखिए, यहां पर मैं आपको ये स्टेडियम जो है इसकी तस्वीर भी दिखा रही हूं। साथ ही साथ अब मैं यहां पर आपको एक रिवीजन क्वेश्चन भी करा देती हूँ, क्योंकि बात हो रही है अमेरिका की। तो अमेरिका वो देश है जिसकी 2020 की जनगणना में सिखों को एक अलग जातीय समूह के रूप में गिना जाएगा। प्रश्न है यहाँ पर कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये हमारा 9वां प्रश्न है, और चुना गया है अतुल गुप्ता को। आंसर यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए? आंसर हमारा जो है अतुल गुप्ता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं अतुल कुमार गुप्ता। सीए निहार जंबूसरिया को संस्थान के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पी छागड़, उनका कार्यकाल इसी साल फरवरी जो है उसमें समाप्त हो जाएगा। ये जानकारी थी इस प्रश्न के बारे में, क्वेश्चन नंबर 9। और ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न से संबंधित तस्वीर दिखा रही हूँ। अंतिम प्रश्न पर आ गए हैं हम, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस भारतीय बैंक ने शीर्ष वैश्विक बैंकों के बीच ब्रांड वैल्यू में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है? ये हमारा 10वां प्रश्न है, और उत्तर है यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर जो है ए होगा, इंडसइंड बैंक। ए हमारा राइट आंसर है। द बैंकर्स टॉप 500 बैंकिंग ब्रांड्स 2020 की रिपोर्ट के अनुसार जो इंडसइंड बैंक है वो ब्रांड वैल्यू में सबसे ज्यादा वृद्धि के मामले में दुनिया भर के बैंकों की सूची में सबसे ऊपर है। केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर की सूची में पिछले 12 महीनों में ये जो बैंक है इसकी ब्रांड वैल्यू में 122% की वृद्धि हुई है, जिसके कारण इसको इस पूरी की पूरी जो सूची है उसमें नंबर 1 पोजिशन मिली है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो बैंक है इसके प्रबंध निदेशक और सीईओ का नाम है रोमेश सोबती, और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ये हमारे सभी 10 प्रश्न हो गए हैं। हम आ गए हैं समरी कीवर्ड्स पर। तो जो जम्मू एंड कश्मीर है, दो एम्स खोले जा रहे हैं, यूनियन टेरिटरी जो बन गई है अब जम्मू की, उसमें खोले जम्मू और कश्मीर की उसमें खोले जा रहे हैं। एक जम्मू में खुलेगा और एक खुलेगा कश्मीर में। आगे यहां पर आपसे कहा गया कि जो वर्ल्ड पैंगोलिन डे है 2020 वो मनाया जाता है 15 फरवरी को। जो पुस्तक है अ चेकर्ड ब्रिलियंस, ये लिखी है जयराम रमेश ने। उदयन माने जो है ये गोल्फ से संबंधित है। भारत का लार्जेस्ट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क जो है लगाया जाएगा मुंबई में। 15वां फाइनेंस कमीशन पैनल ऑन डिफेंस एंड इंटीग्रल सिक्योरिटी, इसके चेयरमैन है एनके सिंह। शिप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, वो है आपका सागर अन्वेषिका। दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है उसका उद्घाटन करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। जो प्रेसिडेंट बने हैं आईसीएआई के, उनका नाम है अतुल गुप्ता। और इंडियन बैंक जिसने हाईएस्ट ग्रोथ अचीव की है ब्रांड वैल्यू में, वो है इंडसइंड बैंक। ये थे सभी समरी कीवर्ड्स। अब मैं आ गई हूं आपको लेकर क्विज फॉर द डे पर। यहां पर पूछा गया है कि जो अ चेकर्ड ब्रिलियंस नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखी है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। और विश्व पैंगोलिन दिवस 2020 ये कब मनाया गया है, ये आपको मुझे बताना है। दोनों प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक बटन पर क्लिक करें, साथ ही साथ वीडियो को आप शेयर भी जरूर करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल फिर सुबह 4 बजे आपसे मुलाकात होगी।